कल दिखना चाहते हो और 30 पर ये मेकअप लुक करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं अपनी स्किन पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। कितनी भी जल्दी में हूँ बट मैं मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मुझे कुछ देर का टाइम लेना था बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं काजल लगा लेती हूँ और अपनी आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लेट ही हो जाता। कितनी भी जल्दी से मैं चीज़ें स्टार्ट करती फिर भी लपाट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को सेट कर रही हूँ जब तक मेरा मॉइस्चराइज़र सेट हो रहा है। अदरवाइज़ हमेशा इसके बाद फाउंडेशन लगता है बट इतना टाइम नहीं था कि मैं वेट कर सकूँ। तो ये वाला जो दो स्टेप है ना मेरे वो कंप्लीट हो गए इस वजह से, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो मॉइस्चराइज़र वो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, मेरी स्किन यानी सेट हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन क्योंकि आजकल मैं इसी को यूज़ कर रही थी। सामने जो भी प्रोडक्ट मुझे मिला है बस उसको मैं उठाई हूँ और फटाफट से लगा ली हूँ। जैसे आप क्रीम वगैरह लगाते हो वैसे ही मैंने पूरे फेस पे अच्छे से सेट किया। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिया मैंने, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ली। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप कहीं जाओ किसी के साथ में और लोग आपको ये ना बोले कि मेकअप की दुकान आई है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप पसंद है, लाइट मेकअप पसंद है, ज़्यादा हैवी की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपने फेस पे फाउंडेशन हाथों से लगा सकते हो, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद फाउंडेशन के बाद मुझे लगाना था कॉम्पैक्ट लेकिन मेरा दिमाग आज पता नहीं कहाँ गया था। तो अभी मैंने लगा ली लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद मुझे सडनली याद आया, अरे यार कॉम्पैक्ट नहीं लगाया, अभी जो मेरा मेकअप है वो क्रैक हो जाएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी कितनी भी ड्राई स्किन हो कॉम्पैक्ट से सेट करना ज़रूरी है। बस कॉम्पैक्ट को ध्यान में रखिए कि कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैवी ना हो अगर ड्राई स्किन है, तो मेबलिन का बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लोजअप कब दिखाई, मैं रियल बताऊँ आप लोगों को, आने के बाद मैं क्लोजअप दिखा पाई हूँ। और मैंने दो वीडियो शूट की थी, एक तो मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी, सेकंड मैंने ये वाली पहन ली, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी एंड में कौन सी ज्वेलरी इस साड़ी के साथ अच्छी लग रही है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चूड़ा ऑनलाइन है, ज्वेलरी ऑनलाइन है, साड़ी ब्लाउज सब कुछ ऑनलाइन है। इसकी वीडियो जल्दी शेयर करूँगी या हो सकता है शेयर भी हो चुकी हो। तो चलो मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए गोल्ड ज्वेलरी, तो दोनों में से कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं प्यारी सी वीडियो के साथ।